हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिश व्यास। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं कन्ने पर, यानी कन्ने डालते समय हम किस प्रकार की गलतियां करती हैं वो सब हम इस वीडियो के अंदर आसानी से देख सकते हैं। जितने भी प्रोफेशनल हैं वो कमेंट करके राय ज़रूर दें, और बेसिक जिन्हें ये चीज़ सीखनी है तो ख़ास तौर पर ये वीडियो उनके लिए ही बनाई गई है। जैसा आपने स्टेप नंबर 1 में देखा, मैंने थड्डे और कमान के बीच में दो होल किए। इस चीज़ को कहा जाता है थड्डा, जिस पे आपको डीप करके लाइटिंग दिख रही है दोस्तों, और इसे कहा जाता है कमान। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कमान और थड्डे दोनों को जोड़ने के लिए हमने क्रॉस वाइज होल किए हैं। जैसे कि आपको ग्रीन कलर की लाइटिंग दिख रही है, तो ये क्रॉस वाइज होल हमने इसलिए किए गए हैं ताकि हम किसी भी धागे से इस कमान और थड्डे दोनों को होल्ड कर सकें। चलिए, एक चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना, जब भी आप पतंग के अंदर होल करते हैं, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो आप अगरबत्ती का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप पतंग को कभी भी ज़मीन या फर्श पर कभी नहीं घिसें। अगर हवा मीडियम है या फिर अगर हवा तेज़ है तो आप अपने हथेली के तौर पर मैप या फिर मेज़रमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर आसानी से देखने को मिल सकता है। तो गाइस, मैंने सबसे पहले इसमें नीचे की तरफ भी दो होल किए हैं थड्डे को बांधने के लिए। अगर आप काइट उड़ाने में एक्सपर्ट नहीं है या फिर अगर आपको अच्छी काइट फ्लाइंग करनी है तो आप बड़ा साइज उड़ाएं, यानी पौनी साइज, जिसमें आप कन्ने आसानी से डाल सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने एक ब्लान यानी एक फंदे के मैंने कन्ने डाले हैं। अगर आप थोड़ा दूर उड़ाते हैं तो आप 3 उंगली का भी मेजरमेंट कर सकते हैं एक फंदे के अकॉर्डिंग। स्टेप नंबर 2, आपको हमेशा कन्ने सद्दी से बांधने हैं। अगर आपको अच्छे कन्ने बांधने हैं तो आप 2 नंबर की या फिर 8 नंबर की सद्दी का यूज़ करें। जितने हल्के आपके कन्ने होंगे उतनी ही अच्छी आपकी पतंग हवा में उड़ेगी। दोस्तों, सद्दी का बहुत महत्व है, इसलिए हमने इसे स्टेप नंबर 2 दिया है। स्टेप नंबर 3, सद्दा की लंबाई 3 फुट या 2.5 फुट निकालिए पतंग के हिसाब से, और उसके बाद में आप जो आप सिरा देख रहे हैं इसका एक सिरा कुछ इस प्रकार से बांधिए, जैसे कि मैंने आपको सिंगल नोट बांध के दिखाया है। ये एकदम सिंपल धागा है, उसी प्रकार से आपको बांधना है। गाइस, एक बार आप फिर से देख लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को वापस रिवर्स करके भी आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं कन्ने बांधते समय इन धागों का इसलिए प्रयोग करता हूँ जिससे हमारी पतंग आगे जाके जल्दी कन्ने या फिर तंगलड़ नहीं हो। तो ये स्टेप आप हमेशा विशेष तौर पर ध्यान रखना, जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ सेम एग्जैक्टली आपको उसी प्रकार से फॉलो करना है। जिससे आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों सिरे कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को वापस रिवर्स करके देख सकते हैं। ऑलमोस्ट डन। अब गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है, वो है हमारा स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में आप देख सकते हैं, हमें सबसे पहले कमान और थड्डे को बांधने के लिए धागा किस प्रकार से पिरोया जाता है या फिर किस प्रकार से बांधा जाता है, बिल्कुल आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं एग्जैक्टली आपको ऐसे ही फॉलो करना है। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, मैंने कमान और थड्डे को जो हमने सिरा तैयार किया था उस सिरे को हमने आर पार किया है जहाँ पे हमने क्रॉसवाइज होल किया है। गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज़ को फॉलो वापस करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने कमान और थड्डे दोनों को बांधने के लिए धागे का उपयोग किया था होल में से निकाल कर, लेकिन आपको रिटर्न वही काम करना है। लेकिन इस बार आपको हमेशा विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आप जब आप रिटर्न करें तब आपका जो धागा है वो डबल बार हो जाए, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इससे होगा ये कि आपका जो कन्ने बांध रहे हैं इससे डबल भी हो जाएंगे और आपके कन्ने भी हल्के रहेंगे। अब सबसे मेन स्टेप आती है, वो आपको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हमने स्टेप बाय स्टेप देखा है। जैसे कि अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने दिया है इसका नाम स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 हमने इसलिए दिया है क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं कि हमें सिंपल नोट इसके अंदर बांधनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने सबसे पहले, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हमने सबसे फर्स्ट नोट बांध दी है, फिर सेकंड, और उसके बाद में आप देख सकते हैं हमने इस प्रकार से धागे को बांधा है। सबसे पहले आपको आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ, फिर आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ बांधना है, फिर लास्ट आपको एक सिंगल नोट और बांधनी है। इससे होगा ये कि आप जब देखेंगे, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप सबसे पहले मेरे हाथ की आप कंडीशन देखें कि मैं बाहर अंदर बाहर डोर को आगे या पीछे करूँ, इससे आपका धागा बहुत ज़्यादा टाइट और मज़बूत हो जाता है। इसे कहा जाता है गाइस थड्डा, और इसे कहा जाता है कमान। और कमान और थड्डे अब आप आसानी से देख सकते हैं कि ये मूवमेंट नहीं कर रहे,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपके कमान और थर्ड आई मूवमेंट नहीं करने चाहिए जब आप फंदे बांधते हैं। इस जगह आप टेप का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी कमान और थर्ड आई के बीच में घर्षण कम हो, और टाइट इसलिए ही बांधा जाता है ताकि कमान और थर्ड आई में घर्षण ना हो। घर्षण होने से ये होता है कि आपके कन्ने जल्दी हट जाते हैं। आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब हमारे जो कमान है और जो थर्ड डे है बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। स्टेप नंबर 7। अब गाइस हमें थर्ड डे पे जो हमारा सेकंड सिरा है उसे हमें बांधना है कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आसानी से, क्योंकि ये स्टेप हमें अब फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको इस चीज़ में एक विशेष तौर पर ध्यान रखने वाली बात बताऊँगा कि आपको नोट बांधते समय क्या और किस तरीके से चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। यानी गांठ बांधते समय आप हमेशा ध्यान रखें, जिस प्रकार से मैं गांठ बांध रहा हूँ उसी प्रकार से आपको फॉलो करना है और उसी तरीके से आपको गांठ को बांधना है। देख लीजिए, स्टेप नंबर 1, वापस आपको राउंड उसी में टर्न लेना है और उसके बाद में आपको नोट को अच्छे से बांधना है। अब नोट बांधते समय आपको हाथ को आगे रखना है और फिर पीछे रखना है, ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। इसके अंदर मैंने 3 नोट बांध दिए क्योंकि ये नीचे की तरफ है। 1, ये देखिए आगे पीछे आपको हाथ इस प्रकार से करना पड़ता है ताकि धागे के बीच में जब हम नोट बांधते हैं तो उसका स्पेस ख़त्म हो जाए और हमारी जो गांठ यानी नोट होती है वो अच्छे से टाइट हो जाए। ऑलमोस्ट हमारे कन्ने अच्छे और मजबूत वाले बन चुके। अब टाइम है मेज़रमेंट और बैलेंस करने की। गाइस अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे आप पहले मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हाँ दोस्तों अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने जितने भी ग्रुप में फ्रेंड है एक वीडियो को शेयर ज़रूर करना कि वीडियो शेयर करने से आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन गाइस मेरे लिए आपका एक शेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ही हम आपके एक शेयर से मोटिवेट होते हैं। स्टेप नंबर 8, आप हमेशा ध्यान रखें जब भी आप कन्ने बांधें और जब आप बीच का मेज़रमेंट करते हैं, जो आप नोट बांधते हैं उस नोट को आप पतंग से कभी भी बाहर नहीं बांधें। आपको जो भी मेज़रमेंट करना है आप पतंग के अंदर करें। जितनी भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ गाइस वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कभी भी आप पतंग के अंदर कन्ने बांधते हैं तो आप कभी भी कन्ने को बाहर की तरफ नहीं बांधें। गाइस अगर आपको लग रहा है कि ये मैंने टेप ओवर कर रखी है, क्योंकि काफ़ी लोग इस प्रकार के कमेंट भी आने वाले हैं, तो ये मैंने ओवर नहीं कर रखी है। जैसे कि मौसम में नमी आती है तो नमी आने की वजह से जॉइंट खुल जाते हैं, इस वजह से हमने कागज़ के अंदर डबल शीट के अंदर जो जॉइंट लगा हुआ है उसके अंदर हमने टेपिंग की है, और टेपिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसकी वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबा रखा है तो प्लीज़ गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, क्योंकि आपके इतने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं जिनका मैंने ऑलरेडी जवाब दे दिया है। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने नोट अपने हिसाब से बांधा है, बीच का और नीचे का दोनों बराबर, लेकिन पतंग से बाहर नहीं। गाइस बहुत ईजली स्टेप है अंदर और बाहर का, यानी जब आप ऊपर और नीचे बराबर का मतलब मेज़रमेंट करेंगे तब आपको पतंग से बाहर नोट नहीं बांधनी है, अंदर बांधनी है, तो आपके कन्ने एकदम फिक्स हो जाते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे और वीडियो के अंदर अंदर देख सकते हैं। जैसे कि मैंने ये नोट बांधी है, ये पतंग से बाहर नहीं है, पतंग के अंदर है, और फाइनली आपके इस प्रकार से अच्छे कन्ने तैयार हो जाते हैं। आप देख सकते हैं इजी स्टेप है और आपके प्रोफेशनल कन्ने बनकर तैयार हो जाते हैं, देख लीजिए। और एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें, जब आप इस जगह कन्ने बांधते हैं तो आप इस जगह सेल्लो या टेप का लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आपके कन्ने ऊपर की तरफ फाड़ कर आपकी पतंग का जो धागे होते हैं वो ऊपर की तरफ ना जा पाएँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुंच पाए। और अभी तक तो आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, और आपको वाकई में गाइस वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपके एक शेयर से होगा कुछ नहीं बट आपके एक शेयर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट है, तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट ज़रूर करना। और अगर आप ऐसी वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।